मुझे वाकई यकीन हो गया है कि आप सच में अपने हवास खो बैठे हैं। पहले मुझे शक था कि आप ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हैं, मुझे बेवकूफ बना रही हैं। बना तो नहीं रही ना? नहीं, आप सच में आवाज खो बैठे हैं। आप यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। उनका ख्याल है कि आपको दिमागी मरीजों के अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। दिमागी मरीज का अस्पताल समझती है ना आप अमित जी? पागलखाना, पागलखाने में दाखिल करना पड़ेगा आपको। वहां पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए आपका इलाज होगा। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब बिजली के झटके। आपके ताकि ये जो आपका खोए हुए हवास है ना, ये वापस आ जाए, आप होश में आ जाए, आपको सब कुछ वापस याद आ जाए। कम से कम ये तो याद आ जाए कि घर के कागजात कहां रखे। जी, मैंने बात कर ली है डॉक्टर से। बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी जी, मैं हूं ना आपका बेटा, आपके साथ, आपके पास। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। और अम्मी जी, खर्चे की फिक्र तो आप बिल्कुल ना करें। मैंने असद साहब से बात कर ली है, मैंने उनसे कह दिया है कि आपका नाम, मेरी प्यारी अम्मी जी का नाम मेरी मां की जगह लिखा जाए। दफ्तर की तरफ से आपके इलाज और मुआवजे का खर्चा दिया जाए। और अम्मी जी, उन्होंने वादा किया है। बस अब कल ही आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। आप तो मेरी प्यारी माँ है ना, आपका साया मुझ पे हमेशा सलामत रहे। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन अमित जी? इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है अमित जी। जमीला खाला, जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। और आज वैसे भी मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है। जल्दी करो, क्या मुसीबत है? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और भी बहुत काम है। और ये इतनी सी पोटली बनाने में इतना कौन टाइम लगाता है? चलो खैर, देर हो रही है, मुझे ना ले जाओ वहां, मैं नहीं जाना चाहती। कहां नहीं जाना और क्यों नहीं जाना है? नहीं, अगर नहीं जाना है तो फिर कहां रहना है? यहां रख लेना तू मुझे।
मेरे पास? क्यों रखूंगी मैं अपने पास? बताओ, कुछ लगती हूं मैं तुम्हारी जो मैं तुम्हें अपने पास रख लूं इस तरह? चलो, और वैसे भी माए ना अपने बेटों के घर में अच्छी लगती, बेटियों के नहीं, बेटों के हाथ लाख जलील हो जाए, बेइज्जत हो जाए अगर वो हमेशा बेटे ही रहते। और शुक्र करो जमीला खाला, तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, वरना यूं मारी मारी फिरती, है ना? और वैसे भी अभी तुम्हारे बेटे से थोड़ी मुंह मारी भी तो करनी है, एक नंबर का उल्लू है, नालायक कहीं का। चल, अगर वो नहीं जाना चाह रही तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो? है तो बेटे के पास लेकर जा रही हूँ, और बेटा ही माँ का ख्याल रखता है, और माँ भी तो हर वक्त बेटे के लिए मरी जाती है। और अच्छा है ना, बेटे की छाव में रहेगी तो बहुत खुश रहेगी, नहीं? वो इन्हें मरने से पहले मार देगा, और इस तरह मारेगा कि निशान भी नहीं मिलेगा कि किसने और कैसे मारा। तुम ये चाहती हो कि ये बेमौत मारी जाए? बेटे के पास रहेगी तो अपने आप ही नर्म हो जाएगा, और वैसे भी माँ तो सबको प्यारी होती है ना। तुम्हें माँ प्यारी नहीं है? बताओ, तुम्हें माँ प्यारी नहीं है? मेरी कोई माँ नहीं, और अगर मेरी माँ होती तो मैं यहाँ उस तरह रुलती नहीं। तो इन्हीं को माँ मान लो, अगर ये तुम्हारी सगी माँ होती तो। ऐसे सुहाने ख्वाब देखने की आदत नहीं है मुझे। चलिए, बहुत सिफारिश हो गई तुम्हारी, चलो। नहीं, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना।